तुम लोग इस बात से एग्री करोगे कि कॉमेडी ही एक ऐसा जेनर है जिसमें भाई डायरेक्टर कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक लिबर्टी ले सकता है और ऑडियंस को पसंद आती है, अल्टीमेटली वो स्टोरी लाइन के साथ फकअप ना करे। तो मडगांव एक्सप्रेस के बारे में बात करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और फिर बात करते हैं मडगांव एक्सप्रेस की। इसमें नूरा फतेही हैं लीड रोल में और कुछ अच्छे एक्टर्स भी हैं जैसे कि देवेंदु शर्मा, प्रतीक गांधी, अविनाश तिवारी और उपेंद्र लिमियाने भी हैं जिनको हमने एनिमल में देखा था। उसके बाद छाया कदम भी हैं इसमें एक मेन विलेन के रोल में। इससे हमें ये तो पता चलता है कि कास्टिंग जो है इस मूवी की वो काफ़ी बढ़िया हुई है, काफ़ी दमदार हुई है। और जो कि पहला ही राइटिंग एंड डायरेक्टोरियल डेब्यू है इसका कुणाल खेमू का, तो हमें एक उम्मीद है कि यार ये बंदा जो कि खुद कॉमेडी इतनी तगड़ी तरीके से कर रहा है, बहुत ही अंडररेटेड एक्टर है कुणाल खेमू और बहुत ही भयंकर मतलब एक्टर है ये तो मैं बताऊंगा, और उन्होंने अपने आप को इसमें एस्टेब्लिश करने का सोचा है डायरेक्शन में, तो ये देखने वाली बात होगी और एक्साइटमेंट भी होगा। ये ट्रेलर जो शुरू होता है वो दिल चाहता है कि म्यूजिक से शुरू होता है और तुम्हें पता है कि जैसे ही दिल चाहता है हिट करता है कि भाई वो म्यूजिक मतलब चला जाता है सीधा गोवा में, और ये कहानी भी गोवा में ही टेक प्लेस कर रही है और एक्सल स्टूडियोज जो है जो अपने फरहान अख्तर का है वही इसको प्रोड्यूस भी कर रही है। तो ये एक रोड ट्रिप एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा होगी जिसमें मज़ा तो आने वाला है, क्योंकि ये ट्रेलर भाई बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा ट्रेलर देखा है और शायद तुम लोग इस बात से एग्री करोगे जिसमें तुमको हंसी आई हो ट्रेलर देख करके, लिटरली तुम हंसे हो कुछ कुछ सीन को देख करके, खासकर वो पार्टी वाला सीन जहाँ पे वो उछल के देवेंदु लात मार देता है उस लड़की को, इट्स अमेजिंग। तो वो देखने में मज़ा तो आएगा। ये कहानी टेक प्लेस करती है तीन ऐसे दोस्तों की जिसका सपना होता है जैसा कि हमारा भी है गोवा जाने का, कभी ना कभी तो जाएंगे। तो ये लोग गोवा के लिए निकल तो जाते हैं कैसे भी कैसे तिक्रम लगा करके, बट वहाँ पे ड्रग कार्टेल के किसी तितंबे में फंस जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्लैपस्टिक कॉमेडी ड्रामा के लिए तुम्हें एक बकायती वाला प्लॉट तो चाहिए ही, और वो लगता है ये ज़रूरी है भाई कि मतलब कॉमेडी ऑफ एरर जो होता है ना कि भाई यहां करो तो ये गलती हो गई, ये करने ठीक करने गए तो ये गलती हो गई और कुछ भसर फैल रहा है, तो वो देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि हेरा फेरी उसका एक कल्ट क्लासिक एग्जांपल है, तो वो देखने को मिला है इसमें। ये लोग गोवा जाते हैं थोड़ा मस्ती मजा करेंगे, बाद में जो प्रतीक गांधी है वो ड्रग में डूब के नहा जाएगा और उसके बाद एक बहुत ही भयंकर भसर फैलने वाला है, क्योंकि इनके पीछे पुलिस, फिर से दो दो माफिया गैंग, एक तो ऐसा लेडी गैंग भी पड़ी है, तो वो तो और भी देखने में ड्रामेटिक लगेगा। क्योंकि ये जो सीन्स शूट हुए हैं, ये जो सीन्स इन्होंने लाइक जो पोर्ट्रे किया है वो काफ़ी भयंकर किया है, कि मतलब गोली मार रही है और वो उड़ जा रही है, वो जो गलत वर्ड बोलना, गलत तरीके से बात को बोलना, इट्स अमेजिंग अमेजिंग। ट्रेलर तुम लोग एक बार ध्यान से देखना प्रॉपर। ये सीन में भाई हंसते हंसते पागल हो गया था, गन चलाते ही उड़ गई। ये देखने में मज़ा आएगा क्योंकि एक ना एक फीलिंग आ जाती है अंदर से कि हाँ यार ये कॉमेडी कॉमेडी वाली होगी, ये वो वाली कॉमेडी नहीं होगी कि जबरदस्ती के हंसाने की कोशिश। एक अच्छी स्टार कास्ट का मतलब यही होता है कि उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो हंसी दिलाए हमें, वो एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे। और ये हमने प्यार का पंचनामा में भी देवेंदु को देखा था कि भाई उसने बहुत तगड़ा, डिस्पाइट कार्तिक आर्यन, देवेंदु ने भी प्यार के पंचनामे में बहुत कमाल के काम किया था। प्रतीक गांधी कमाल के एक्टर्स हैं, अविनाश तिवारी कमाल के एक्टर हैं। ये देखने में मज़ा आएगा, एक एक्साइटमेंट फील होगी, एक नॉस्टैल्जिया फील होगा। ये वाला सीन तुम देखो, ब्रा पैंटी में भाई ड्रग्स भरे जा रहे, अरे भाई साहब मतलब अलग यार अलग। ये होता है ना जब कोई डायरेक्टर डिफरेंट सोचता है। एक प्लॉट वही है, ऐसी इस ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि ये पहले ही टाइप की मूवी बनी है जो कि इससे पहले तो कभी बनी ही नहीं हो, लेकिन एक होता ना अप्रोच करना, वो ऑडियंस रूट ऑडियंस को समझना कि उनको क्या चाहिए। अगर हम एडवेंचरस मूवी बना रहे हैं तो उसमें कॉमेडी डाल रहे हैं, तो कॉमेडी सिर्फ डायलॉग से नहीं डालना है, कॉमेडी का सिचुएशन क्रिएट करो, एक ऐसा प्लॉट तैयार कर दो कि भाई उसमें वो बंदा फंसता जाए और ना चाहते हुए भी वो कॉमेडी उत्पन्न हो जाए उस चीज़ से। तो वो उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है कॉमेडी को, ज़बरदस्ती ठूसा नहीं जा रहा है कि भाई ये लाइन है इस पर तुम हंसो। ये सबसे बड़ी बात लगी मुझे, बहुत ऐसे कॉमेडी मूवीज़ बन रहे हैं जिसमें तुम देखोगे कि भाई ज़बरदस्ती का उसमें डायलॉग डाल डाल करके तुमको हंसाने की कोशिश की जा रही है और कहीं हंसी का नामो निशान नहीं होता है। बट इस मूवी में ऐसा लग रहा है कि एक सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा, एक प्रॉपर सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा
और उस सिनेरियो के थ्रू ऑडियंस को कनेक्ट करके हंसाने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत डीप बात है। ये चीज़ तुम हेरा फेरी में नोटिस करोगे, तीनों फ्रेंचाइज में ये चीज़ तुम दे दनादन में नोटिस करोगे। और जैसा कि एक इंटरव्यू में रोहित शेट्टी ने कहा भी है कि कॉमेडी सिचुएशन के हिसाब से करो तो मज़ा आता है। डायलॉग्स या राइटिंग से कॉमेडी नहीं होती, सिनेरियो क्रिएट करके होती है। राइटिंग की बात करें तो कहानी भी इसकी सॉलिड लिखी जानी चाहिए, क्योंकि अगर एंडिंग इन्होंने हक दी, मतलब एंडिंग में कुछ बहुत बड़ा प्लॉट धमाका नहीं किया, तो फिर वो एक्साइटमेंट चली जाएगी सच बताऊँ तो। क्योंकि एक क्लाइमैक्स, जब हम मूवी का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जब हम निकलते हैं मूवी से और क्लाइमैक्स किस वे में उसको डाला गया है वो देख के हमें लगता है कि हाँ यार सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो जो चरम सुख का अनुभव होता है वो एक राइटिंग बहुत बड़ा पिलर होता है किसी भी मूवी का, कि हाँ मैंने ये कहानी लिखी है जो कि दमदार है, अब एक्टर्स का काम है कि उसको और दमदार बनाने के लिए, तो वो तो लग रहा है। मैं ये बात से एग्री करूँगा कि बहुत सारे लोग बहुत एक तगड़ी कॉमेडी मूवी के लिए हाल फिलहाल में तो बहुत ही डेस्परेट हो गए थे, कि हाल फिलहाल में उतनी तगड़ी कॉमेडी मूवी जो कि थिएटर्स में रिलीज़ हुई हो वैसी नहीं आई है। लास्ट मुझे याद नहीं है कि कब एक कॉमेडी मूवी बहुत सॉलिड वाली देखी थी मैंने थिएटर में जा कर के, तो ये देखने में तो मज़ा आएगा। चीज़ें बहुत ही बेहतरीन लग रही हैं, चीज़ें एक्साइटिंग लग रही हैं, और कुणाल खेमू से मुझे उम्मीद है भाई, क्योंकि वो जो बंदा अंडररेटेड होता है और टैलेंटेड होता है वो बहुत कमाल की चीज़ें कर जाता है। तो मडगांव एक्सप्रेस के लिए तो मैं तो एक्साइटेड हूँ। तुम लोगों का क्या राय है? तुमने ट्रेलर देखा है, क्या तुम्हें वो इतना एंटरटेनिंग लगा? क्या तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये वो काम नहीं कर पाया है जो हम चाहते हैं? क्या तुम्हें ये ऑफेंसिव लगा? क्योंकि दो तीन जगह ऐसी चीज़ें हैं जो कि मे बी कुछ लोगों को ऑफेंस कर जाए। तो यही था मेरा ट्रेलर को लेकर के रिव्यू। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।